राम राम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? तो फाइनली भाई आज तुम्हारे भाई का बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कंप्लीट वर्कआउट। हालांकि देखो हर किसी का ड्रीम होता है कि बाइसेप्स मेरा गोल होना चाहिए, बाइसेप्स बड़ा होना चाहिए, और बॉडी पार्ट कोई सही मतलब इतना मतलब जरूरी नहीं होता हर किसी के लिए, लेकिन यह कि बाइसेप्स का हर कोई फोकस करता है ज्यादा। चलो आज बिल्कुल जबरदस्त वाली बाइसेप्स की वर्कआउट करते हैं। तो दोस्तों वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं प्री वर्कआउट में ये ले रहा हूँ क्रिएटिन। देखो अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कि क्रिएटिन लेने का कौन सा टाइम बेस्ट है। देखो क्रिएटिन यूज करने का सबसे बेस्ट टाइम यही होता है वर्कआउट से पहले। तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है यूज करने का, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको 50 ml या 100 ml वाटर लेना है, उसमें 2.5 ग्राम या 5 ग्राम यानी कि एक स्कूप जो डब्बे के साथ आता है बस उसको मिक्स करना है पानी में। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपका ऑथेंटिक सप्लीमेंट होगा ना वो आसानी से घुल जाएगा। देखो एक बार में घुल गया ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक सप्लीमेंट है, इसका किसी भी तरीके से साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रिएटिन यूज़ करते हो तो 4 से 5 लीटर वाटर क्रिएटिन यूज़ करने के बाद पीना है आपको पूरे दिन में। तो चलो फटाफट वर्कआउट करते हैं पी के। तो देख लो ध्यान से, यह है एटम का क्रिएटिन। कोच की तरह वार्म अप तो सेम ही करूँगा, ऐसा नहीं है कि बाइसेप्स वाले दिन, बस यार डिप्स में फ़र्क होता है, डिप्स में डिफरेंस होती है, अलग अलग डिप्स लगाता हूँ, बाकी और ऑल ओवर बॉडी पार्ट का वार्म अप सेम ही होता है। बस ये नॉर्मली वार्म अप करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बाइसेप्स के लिए अलग ट्राइसेप्स के लिए अलग करो। बस हाथ पैर खोलने हैं, बस बड़े दिन से यार अकड़े हुए थे सब कुछ, अभी सेट वगैरह चालू कर दिया हूँ ना, तो सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन निकल गए, आज तीसरा ही दिन है, तो आज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों एक साथ लगा। तो आज वो डिप्स लगाते हैं। डिप्स में ये है ना कि शोल्डर के सीध में हाथ रखनी है और आगे हो जाना, ठीक है इतना, और ये हाथ पीछे ले लेना, ये बाइसेप्स की डिप्स हो जाती है। चलो 50 मार देते हैं। किसने गिनती करा, पूरे 50 कर दिए मैंने, आ गई ना पंपिंग पहले बार में। तो भाई बैक की चिनअप्स तो हर कोई लगाता ना, ये बाइसेप्स के लिए लगा रहा हूँ मैं प्रॉपर, और इसी के साथ वार्म अप फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट कर लिया पहला वर्कआउट मैं कर रहा हूँ, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है ज़बरदस्त बाइसेप्स का। पहले सिंगल कंप्लीट करने हैं। और जब लास्ट में है ना, जब बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि हाँ हो गया, तो फिर उसके बाद दोनों एक साथ लगानी है, 4-5 चित्र निकल जाए। फ्रंट वाली के तो 3 सेट हो गए कंप्लीट। देखो रेपुटेशन अपने हिसाब से लगाना, मैं तो पहले लगाया था 20 फिर 15 और फिर 12 ऐसा लगाया था, अभी ये वाली लगानी है, इसका 2 ही सेट लगाना है बिल्कुल ऐसे। देख लो पंप हो गया पूरी, मसल्स में नसें बाहर दिखाई दे रही हैं सारी, अब ऐसे लगानी है सेम हल्का अंदर की तरफ।
वर्कआउट हुआ है अभी, एक हुआ है वही केबल पे, दोनों हुए हैं, एक के 3 सेट लगाए, एक के 2 सेट लगाए, अभी ये रोड के साथ लगाते हैं भाई सब, और वो भी बढ़िया वाला पंप, सिर्फ 2 वर्कआउट में ट्राइसेप्स भी रहता है, तो ज़्यादा वर्कआउट नहीं होगा, सिर्फ 5 वर्कआउट टोटल, भाई सब का 5 या 6 भी हो सकता है। तो सब लोगों ने, आप लोगों ने तो ये सुना होगा कि डर के आगे जीत है, मैं ये कहता हूँ कि दर्द के आगे भी जीत ही है, कि बार बॉडी ऐसे बनानी है, 90 किलो का टारगेट लेकर चल रहा हूँ इस गेनिंग में। रोड के साथ तो भाई लगा लिया मैंने 3 वर्कआउट, अभी प्रिक्चर लगा रहा हूँ और इसके साथ सुपर में हैमर लगा रहा हूँ रोड के साथ, आ जाओ दिखाई देता हूँ। तो उसके 3 सेट कंप्लीट करे थे, इसके 3 या 4 बाद में देखेंगे, ये दूसरा है। तो साथ के साथ इस वाले रोड के साथ लगा रहा हूँ हैमर, यहाँ से ऐसा पकड़नी है बस, सिंपल बस। क्या लगता है दोस्तों, कितने दिन में और जलाने लायक हो जाऊंगा, जिन लोगों ने मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करी हैं, उनको मजाक करा रहा है, मुझे किसी को जलाना नहीं है, अपने काम से काम रखना है। ये फिनिशर वर्कआउट है बाइसेप्स की आखिरी, इसके बाद ट्राइसेप्स चालू करना है। तो एक सीक्रेट बात बताता हूँ आप लोगों को, देखो जिस वर्कआउट में ज़्यादा मज़ा आता है उसके 4 सेट लगाता हूँ, जिसमें थोड़ा कम मज़ा आता है उसके 3 वर्कआउट लगाता हूँ, ये लास्ट फिनिशर वर्कआउट के लिए इसके 3 लगा के फिनिश कर दूंगा बाइसेप्स। चलो ट्राइसेप्स के स्टार्ट करते हैं, तो ट्राइसेप्स के स्टार्ट करते हैं सिंगल हैंड से, हालांकि केवल क्रॉस पे ले रहा हूँ, डंबल से भी लगा सकते हो, इसके सुपर सेट लगाने हैं 4 लगातार, जैसे इसके 15 करके फिर लगातार इसके भी 15 करने ऐसे। तो जैसे कि पहला वर्कआउट सिंगल हैंड हो गया, तो अब पुश डाउन लगा रहा हूँ। देखो हाँ सर, हम तो वर्कआउट के ज़्यादातर नाम मेरे को पता नहीं होते, बट ये है कि वर्कआउट की सारी पता है मुझे। इसके भी लगा, इसका 4 सेट लगाऊंगा, पहले वाले के भी 4 ही लगाया था।
तो ये है मेरा तीसरा वर्कआउट। इस वर्कआउट का देखो शायद अपर हेड बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। वर्कआउट बढ़िया है, लेकिन इसके 3 सेट लगाऊंगा। तो पीछे वाला भी अपर हेड वर्कआउट कंप्लीट हो गया, 3 सेट लगाए थे, इसके भी 3 लगा दूंगा। इसमें दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा है, रिवर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से ऐसा जान नहीं लग रही इसमें बिल्कुल भी, दर्द कर रहा बहुत ज़्यादा ये वाला। इससे कोई नहीं, वही डबल हैंड डंबल लगा रहा हूँ। मेरे कैमरा मैन ने तो मेरी बजा दी, बस क्या बताऊँ। चलो फटाफट फिनिश करते हैं, इसके बाद एक और लगाऊंगा वर्कआउट, इसका 3 सेट कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा रिस्क लिया हूँ हैवी डंबल के साथ। तो आज दोस्तों करते हैं फिनिश यार वर्कआउट। इस हाथ में हल्की हल्की दर्द होगी, कोई नहीं, घर जाऊंगा आराम से खरोड़े का जूस पीऊंगा, सूप पीऊंगा, घर जाकर आराम से रेस्ट करूंगा, ठीक हो जाएगा। यह बेंच डिप्स, इसके भी 3 लगा दूंगा, बस फिनिश। फाइनली दोस्तों वर्कआउट तो फिनिश हो गया, जैसा कि पंप वगैरह आप देख ही रहे हो। तो अगर आप चाहो तो ये बाइसेप्स की वर्कआउट, ट्राइसेप्स की वर्कआउट आप भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी फॉलो कर सकता है इसको। तो चलो फटाफट अपना डाइट वगैरह लिया जाए और घर पहुंचा जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगे लाइक कमेंट शेयर करके बताना। जिस भाई को वर्कआउट की नीड होती हो तो कभी भी कमेंट कर दोगे, मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करके दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।